Good morning friends, today we are going to discuss about one more chapter, standard 11, module book, chapter number 3, chapter number 3, discovering that the saga continues, okay. So, before we start the chapter, before we start the lesson, we will discuss some introduction. First of all, discovering that the saga continues, written by A.R. Williams. If you know about A.R. Williams, she lives in Virginia. She is former senior writer for National Geographic magazine. So before she was writing in National Geographic magazine, her long form of writing includes. So उसने कुछ लॉन्ग फॉर्म्स लिखे रहती हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे, उसमें से तीन जो बुक्स है उसके ज़्यादा फेमस है, डेज ऑफ नाइट इन 2003, द न्यू फेस ऑफ किंग टट 2005, एंड एनिमल एवरलास्टिंग 2009. सो दिस थ्री बुक्स इज वेरी फेमस लॉन्ग फॉर्म ऑफ राइटिंग. सो दिस थ्री बुक्स यू कैन रिमेंबर, सो यू कैन राइट डाउन इन द इंट्रोडक्शन इन द एग्जामिनेशन. Next topic is, in this lesson she explains the life and death and culture of Egyptian rulers. Okay, so this lesson is, we will discuss about Egypt and the king and the pharaoh of the Egypt and the lifestyle and the life and death. Tut of Amun, Egypt. So this is very important, you can say the main character, or you can say the character of the chapter. Tut means king. Ankh-Amun, this is his name, Ankh-Amun from Egypt. He was an ancient Egyptian pharaoh who was the last of his ruler family. Okay, so you can say here, this lesson explains the life and death of culture of Egyptian rulers. Okay, and Tutankhamun was ancient Egyptian pharaoh who was the last of his, who was the last, okay, of his ruler family. तो उसकी जो रूलर फैमिली थी, उसकी जो पूरी फैमिली थी, वो पूरी बरसों से, कई सालों से इजिप्ट पे रूल कर रही थी, और ये उसका लास्ट पैराव है. पैराव मीन्स किंग फ्रॉम इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, या तो फिर रूलर फ्रॉम रूलर इन एंशियंट इजिप्ट. जो एंशियंट इजिप्ट में जो भी किंग थी उसको हम पैराव बोलते थे. ओके, एंड ऐसा माना जाता है कि पैराव Akhenaten, okay? Pharaoh Akhenaten is his father. The Pharaoh Akhenaten is his father. Okay? So this is, you can say that some introduction. So you can remember and you can write down the examination also. So A.R. Williams lives in Virginia. She is former senior writer for National Geographic magazine. A long form of writing, Days of Night, The New Face of King, and Animal Everlasting. This lesson explains the life and death and culture of Egyptian rulers. इसके बारे में बात करने वाले हूँ. तट अंकहमन, इजिप्ट, वॉज एन एंशियंट इजिप्शियन फैराओ, वॉज द लास्ट ऑफ हिज रूलर फैमिली. और उसके फादर के बारे में अगर देखा जाए तो जो अखेनेटन है वो उसके फादर जैसा माना जाता है. तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यूज. टट का मीनिंग यहाँ पे किंग हो सकते हैं, या तो फिर रूलर ऑफ रॉयल फैमिली. टट सागा का मीनिंग होता है द लॉन्ग स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स. ओके, सो सागा कंटिन्यूज, जो कंटिन्यूज है. सो डिस्कवरिंग टट सागा कंटिन्यूज. ओके, जब टट अंकहमन था, वो जब छोटा था, टीनेजर था, तभी उसकी डेथ हो गई थी.
and now he is living in his town for first time about 80 years. 80 साल तक उसने वहाँ पे उसके जो टाउन था वहाँ पे वो रहा. मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी 80 साल तक 80 ईयर्स तक उसका वहाँ पे वो उसके टाउन में ही रहा. और उसके बाद 1922 में हावर्ड कार्टर उसने उसको ये मिला, लेकिन उसने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया. और उसके बाद ऑलमोस्ट 2000 समथिंग यहाँ पे लिखा है 2005 में उसका सिटी स्कैन हुआ था. तो मतलब उससे पहले थोड़े साल पहले जो मॉडर्न सोसाइटी है उनको ये उसका जो मम्मी था वो मिला. और उसके बाद में उन्होंने जानने की कोशिश की कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है, इतने छोटे एज में उसकी डेथ क्यों हुई, या तो फिर उसकी मर्डर हो गया होगा. ओके, सो देर आर सम क्वेश्चंस अबाउट हिज डेथ, सो वी विल नो मोर अबाउट इट. और ये माना जाता है कि ही हैड डाइड 3300 ईयर्स एगो. ये जो टट अखेमेटन या सॉरी टट जो है अंखेमन वो उसकी डेथ हुई थी 3300 ईयर्स एगो. ओके, तो और हाँ ये अभी इंट्रोडक्शन की बात, हम डायरेक्ट अभी जाएंगे उनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में. सो लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हम वेव वॉकर को लेके गए थे, प्लायमाउथ इंग्लैंड से लेके गए थे साउथ अफ्रीका. वहाँ से हम गए थे साउथर्न इंडियन ओशन या फिर इंडियन ओशन, और वहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से, ज़्यादा खराब होने की वजह से हम गए थे आइलैंड पे और वहाँ पे रुक गए थे. आज हम जाने वाले इजिप्ट में. इजिप्ट की लाइफस्टाइल कैसी होती है, उसके किंग्स की लाइफस्टाइल, ठीक है, अगर वो मर जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स. सो पेज नंबर 22 ही वॉज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड. वो टीनेजर ही था जब वो मरा था. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. तो वो लास्ट हेयर, हेयर मतलब सक्सेसर या तो फिर वारिस जिसको बोलते हैं हम, तो सबसे लास्ट वारिस था ऑफ पावरफुल फैमिली, जो उसकी फैमिली थी बहुत पावरफुल थी और काफ़ी सालों से इजिप्ट में राज करके आ रही थी. Had ruled Egypt and its empire for centuries. काफी centuries से they had ruled. Okay. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. तो उस जो टट अंखेमन है, okay, तो उसकी जो डेड बॉडी थी जब वो मर गया तो उसको he was laid to rest laden. Laden मतलब covered with gold. उसको gold के साथ cover करके बहुत सारा सोना उसके साथ करके उसको वहां पे छोड़ दिया और उसको भूल गए सब. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 और 1922 में मैंने जैसे आपको बताया हावर्ड कार्टर उसको ये इसका टॉम मिला था, लेकिन उसकी उसने कुछ ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया, तो फिर ज्यादा उसने कुछ रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. सो द मॉडर्न वर्ल्ड जो आज का जो वर्ल्ड है मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड. स्पेक्यूलेटेड मीन्स गेस, टू गेस समथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. उसने गेस करना, अनुमान लगाना शुरू कर दिया और रिसर्च करना शुरू कर दिया दैट व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ है. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. ओके, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी थी, मर्डर की. वो लोग मानते थे कि इसका मर्डर हो गया है. Now living in storm for the first time in almost 80 years. So this time after long time, 80 years मतलब 80 years पहले जब 1922 में उसको बाहर निकाला था तब उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, लेकिन 80 years later उसकी मौत हुई थी 3300 years ago. लेकिन उसके बाद 1922 में हावर्ड कार्टर ने उसका जो टॉम था वो ढूंढ के निकाला और उसका, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा उसका उसके साथ नहीं किया. और फिर उसके बाद 80 साल के बाद 1922 के 80 साल बाद जो मॉडर्न सोसाइटी है या तो फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसने ये खोज निकाला फिर से
और उन्हें गेस करना शुरू किया कि इसके उसकी डेथ कैसे हुई, और उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, तो 80 साल बाद वो फर्स्ट टाइम वो उसका जो टॉम है वो छोड़ रहा है कौन, डेड बॉडी टच अंकमन की। अभी तो डेड बॉडी मतलब कंकाली होगी, कुछ नहीं होगा, उसका होगी मिट्टी। Todd has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. So Todd has undergone a CT scan. अभी उसका CT scan करने वाले थे वो लोग, जिसके बाद उनको पता चलेगा that offers new clues. New clues. You will get new clues about his life and death. How he lived his life and how he died. And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's death. So provides, तो CT scan जो है वो उसके बारे में ज़्यादा clue देगा कि उसकी मौत कैसे हुई और उसकी life कैसी थी। एक चीज़, दूसरी चीज़, it will provide more data for an accurate forensic reconstruction. तो वो ज़्यादा data हमें देगा जब वो सिटी स्कैन करेंगे, तो उसके बाद उनको ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा कि उसकी लाइफ कैसी थी। एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, तो फॉरेंसिक जांच आपको पता ही, जब उसकी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे उसकी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयज फैराओ मैंने मतलब आपको बताया था, अरुला इन एंशियंट इजिप्ट, या तो फिर अकीन इन एंशियंट इजिप्ट, तो उसको हम करा बोलेंगे किंग को। सिटी स्कैन का कोई फॉर्म कब पता होना चाहिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, तो ये बात होगी उसका बेसिक थी। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 23 में कि जब उसकी डेड बॉडी या तो फिर उसका टॉम जब वहाँ से निकाला, तो तब उस टाइम कैसा माहौल था, तब क्या हुआ, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So, an angry wind stirred up. Angry wind, एकदम से हवा वहाँ पे एकदम से जो हवा थी वो ज़्यादा बहने लगी। Stirred up मतलब rise up या blew up. Ghostly dust, जो dust थी वो भी अचानक से खड़ी हो गई, जैसे कि राक्षस या तो फिर डेविल्स है। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही उसको उसके रेस्टिंग प्लेस से टॉम से बाहर निकला, तभी एकदम से धूल की डमरी जिसको बोलते हैं हम, वो एकदम से वहाँ पे धूल हो गया। इन द एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री, मतलब जिसको वहाँ पे जिसको टट की जो डेड बॉडी थी जहाँ पे रखी थी, उसको बोले उसको हम बोलेंगे वैली ऑफ द किंग्स। ओके, उसकी जो सेमेट्री थी उसको वैली ऑफ द किंग्स बोलेंगे। डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कडेड, ये आपने देखा होगा मूवी में, आप जब भी आप मूवी देखेंगे मम्मीज की जो भी जितनी मूवीज हैं, तो वो मूवीज में ज़्यादा दिखाएंगे, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि जब वो टट के साथ या तो फिर मम्मी के साथ कोई छेड़खानी करता है, तो ऐसे ही उसकी धूल की डमरी हो जाती है, या तो फिर ऐसे ही वहाँ से कीड़े निकलते हैं। ठीक है, तो ये मूवीज में दिखा रहे हैं, तो आपको मूवीज में आप देख सकते हैं सर कि कैसे मोस्टली डस्ट वहाँ पे खड़ी जाती है। ओके, सो डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कैटर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड रेन। तो डार्क वैली मींस वेरी ह्यूज, वेरी डार्क क्लाउड्स हैड स्कैटर्ड अक्रॉस, वो मूव करके वहाँ पे जो जहाँ पे वो उसकी डेड बॉडी थी, तो वहाँ पे सारे जो स्काई था वहाँ पे एकदम से काला अंधेरा छा गया, और जो काले बादल थे वो भी वहाँ पे आ गए। एंड स्काई इन द मॉर्निंग टाइम में ऐसा हुआ, और नाउ मतलब इवनिंग टाइम में नाउ वर वेलिंग स्टार्स इन कास्केड रेन। ओके, वेलिंग मीन्स टू कवर समथिंग और टू हाइड समथिंग, तो स्टार्स इन कास्केड ग्रे, तो जो स्टार्स थे वो भी वहाँ पे कवर हो जाते हैं, हाइड करते हैं इन कास्केड ग्रे। कास्केड ग्रे मीन्स ग्रे स्काई, ओके, डार्क ग्रे। तो एकदम से अंधेरा हो जाता है और एटमोसफेयर एकदम से चेंज हो जाता है और काले बादल वहाँ पे आ जाते हैं। इट वॉज 6 PM
ऑन 5th January 2005, ओके ये टाइम है 5th January 2005 को, जब उसको उसके टॉम में से बाहर निकाला जा रहा था। इट वॉज 6 PM 6 बजे 5th January 2005। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लीडेड हेड फर्स्ट इंडो सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रियस ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। तो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेमस मम्मी इसको माना जाता है टटनखमन का। ग्लीडेड, ग्लीडेड मीन्स टू मूव, उसका जो हेड है वो मूव करा, उसको मूव करते हैं कहाँ पे, इनटू अ सिटी स्कैनर, तो स्कैनर था उसके अंदर वापस उसको मूव को ले जाते हैं। ब्रॉट हियर टू प्रोब द, टू प्रोब मीन्स टू एग्जामिन, टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग मीन्स काफ़ी टाइम से हम किसी का वेट कर करते हैं और तो उसको हम लिंगरिंग कहेंगे। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट, सॉरी लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड, इसको हम लिंगरिंग बोलेंगे, अवेटिंग जिसको बोल सकते हैं, अवेटिंग मिस्टीरियस। तो द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ओके, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। तो ये जो डेड बॉडी थी उसको मरे हुए, उसको जो जो डेड था उसको मरे हुए 3300 ईयर्स ऑलरेडी हो गए, हो चुके थे। और आफ्टरनून द यूजुअल the usual line for tourists from around the world had descended into the trampled rock tomb from some 36 feet underground to pay their respect. So all afternoon, pure din, the usual line of tourists from around the world. So pure din tourists वहाँ से उसको उसकी जो मम्मी थी उसको विजिट करने के लिए, उसको देखने के लिए काफी सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। काफी सारे जो दूसरे कंट्री के लोग या तो फिर इजिप्ट में से भी काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पे आ गए थे उसको देखने के लिए। हैड डिसेंडेड मीन्स टू मूव डाउन या तो फिर अराइव इनटू अ क्रैम्पेड, क्रैम्पेड मीन्स स्मॉल रॉक कट टॉम, इसका जो टॉम था वो रॉक से ही मतलब पत्थर से कटा हुआ था। सम 26 feet अंडरग्राउंड, और वो 26 feet अंडरग्राउंड था, हम नीचे था। टू पे देयर रिस्पेक्ट, तो वो लोग उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको देखने के लिए वहाँ पे आए थे। दे गेज्ड एट मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर एट दैट ग्लीडेड या तो फिर ग्लीडेड फेस, ओके। तो द गेज्ड एट द मुरल्स, गेज्ड मीन्स टू सी और टू वॉच और देखना, एट द मुरल्स, मुरल्स मतलब जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग होती है उसको हम मुरल्स बोलेंगे। द मुरल्स ऑन द वॉल्स, तो उसके जो वॉल के ऊपर जो पेंट हुई थी उसको हम बोलेंगे मुरल्स ऑन द वॉल्स। ऑफ द बरियल चैम्बर, उसका जो चैम्बर था उसको बहुत ही नीचे जमीन के नीचे ऑलरेडी उसको डाटा गया था, और उसको एक उसको कॉफिन जिसको बोलते हैं कॉफिन बॉक्स, उसके अंदर उसको डाटा गया था, उसको अंदर उसके रखा गया था, और वो पूरा पूरा सोने का था। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड यू कैन सी द पीपल दे केम हियर टू सी एंड टू एग्जामिन और टू विजिट हिज मम्मी। दे गेज एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर, पियर मीन्स टू लुक एट दैट्स ग्लीडेड फेस, तो उसका जो फेस था वो पूरा फुल ऑफ गोल्ड था, ओके। तो ग्लीडेड फेस मीन्स कवर्ड विथ गोल्ड, तो उसका जो फेस था वो पूरा गोल्ड से कवर किया हुआ था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, मोस्ट स्ट्राइकिंग मीन्स मोस्ट एट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ हिज मम्मी, वो क्या था, शेप आउटर कॉफिन लिड, ओके। तो उसका जो आउटर कॉफिन का लिड मतलब जो उसका जो बॉक्स था जिसके अंदर उसको रखा गया था, उसका जो ऊपर का लेयर था वो सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, कुछ विजिटर्स जो थे वो रीड कर रहे थे उसकी जो गाइडलाइंस थी, गाइड बुक्स थी उसको, विस्पर में देर से बोलना। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और जो दूसरे के लोग थे वो वहाँ पे साइलेंट खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टच्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट थिंकिंग्स, परहैप्स मे बी दे आर थिंकिंग, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग और थिंकिंग डीपली और गेसिंग समथिंग, टच्स अनटाइमली डेथ, और जो टच था वो कैसे इतनी जल्दी मर गए उसके बारे में वो सोच रहे थे, ओके। और वंडरिंग विद द शिवर ऑफ
शिवन इफ द फैराओस कर्स, और वो या तो फिर वो डर रहे थे, किसका डर था उनको, शिवन इफ द फैराओस कर्स। शिव मीन्स ट्रेवलिंग या तो फिर शेकिंग, वो कांप रहे थे, उसको डर, उनको डर था, कुछ लोगों को डर था कि क्योंकि इजिप्ट में ऐसी मान्यता है कि जो इजिप्ट के टट थे या तो फिर मम्मी थे, अगर उसको आप डिस्टर्ब करें तो वो आपको श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं, ठीक है, और या तो फिर आप मर जाए या तो फिर आपको आपके साथ कुछ मिसफॉर्चून हो जाए। तो उनको डर था, कुछ लोगों को क्या डर था, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज डिस्टर्ब, जो उसको डिस्टर्ब करेगा उसको या तो फिर डेथ मिलेगी या तो फिर उसके साथ कुछ मिसफॉर्चून होगा, कुछ गलत होगा। वॉज रियली ट्रू, ऐसी उनकी मान्यता थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, ओके, एंड 1920s में जो कार्टर था, हावर्ड कार्टर, उसने उसको निकाला, लेकिन उसने कुछ छेड़खानी नहीं की, लेकिन उसने जैसे निकाला उसका तरीका जो था वो बहुत ही खराब था, उसकी वजह से उसको बहुत ही, उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही खराब हो गई थी। सेड ज़ाइयरबास, मतलब हावर्ड कार्टर ने उसकी मम्मी को निकाला था, लेकिन उसके साथ जो सामान था उसको टच नहीं किया, मम्मी के साथ छेड़खानी की, लेकिन उसका जो सामान था उसको कुछ भी टच नहीं किया। सेड ज़ाइयरबास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, तो एंटीक्विटीज का मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, ओके, जो एंशिएंट टाइम्स के पुराने जमाने के जो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट है या तो फिर पुराना जमाना है या तो फिर एंशिएंट टाइम्स है, पास्ट टाइम है, उसको हम एंटीक्विटीज बोलेंगे। तो अगेन द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, ये कौन बोलता है, सेड ज़ाही अब्बास, एंड हु इज ज़ाही अब्बास, इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, वो सेक्रेटरी ऑफ जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे देखा उसने और उसने बोल दिया कि उसके साथ उसने जावर काटा था, उसने उसकी कंडीशन बहुत ही खराब कर दी। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर हावर्ड कार्टर, That is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. तो हावर्ड कार्टर, वही हावर्ड कार्टर जिसने, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है हावर्ड कार्टर, जिसने 1922 में टट का टॉम डिस्कवर किया था आफ्टर मैनी ईयर्स, काफ़ी साल सर्च करने के बाद उसको 1922 में उसको टट का टॉम मिला। दो हर्सली रेन सेकेड इन एंटीक्विटी, ओके, जो उसका सर्च रिसर्च करने का था, काफ़ी टाइम से वो लोग रिसर्च करना चाहते थे उसकी बॉडी को, उसके ट्रक को, लेकिन 1922 में उसको वो डिस्कवर किया, उसको वो मिला। नेक्स्ट इज वर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट, तो उसने उसको वो उसका ट्रक का टॉम तो मिला, लेकिन इसके साथ जो कंटेंट था, उसके साथ जो सामान था वो पूरा कंप्लीट था, उसके साथ कुछ भी मिसिंग नहीं था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फैराओस लेजन, तो ये जो उसके साथ जो कलेक्शन था वो पूरा रॉयल कलेक्शन था तट का, उसके टॉम के अंदर। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, अब तक का मिला हुआ सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन था, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फैराओस लेजन, और फैराओस का जो लेजेंड भी था, उसकी जो लाइफ थी वो यहाँ पे दिखा रहे थे कि उसकी लाइफ कैसी हैप्पी थी, वॉज वेरी हैप्पी एंड वॉज वेरी रॉयल। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, आर्टिफैक्ट्स मीन्स हैंडमेड गारमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, कॉस्ट, तो स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रेजरेक्शन, तो ये जो उनके जो उसके साथ सामान थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे और हैंडमेड उसके गारमेंट्स थे, कॉज द सेंसेशन मीन्स एक्साइटमेंट, ओके, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रेजरेक्शन, रेजरेक्शन मीन्स न्यू बॉर्न या तो फिर रिबॉर्न जिसको बोलते हैं, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं।
या तो फिर डेड बॉडी जब उसके टॉम में से उठ के खड़ी जाती है उसको हम बोलेंगे रिजरेक्शन, कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, क्यों बहुत ही एक्साइटमेंट था उस टाइम। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन बट दैट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट टू वांट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन उसकी जो टॉम था उसके साथ उसको लाइफ के बाद उसके डेथ के बाद मतलब नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहिए वो भी उसके साथ बरी किया हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, जो रोज रोज की जो रोज रोज की जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके साथ बरी की हुई थी। और वो चीज़ें क्या क्या थी, बॉर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, बॉर्ड गेम था ब्रॉन्ज का रेजर था, लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन के अंडर गारमेंट्स थे, पीसेस ऑफ फूड कुछ खाना था एंड वाइन और वाइन था। ओके सो दिस इज पार्ट वन, आप यहाँ पर यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आके उसके बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।